तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और शाम के बज रहे 6। तो ऐसे ही बैठी थी तो सोचा चलो कुछ बातें शेयर करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं होगी, बट हाँ बस यही है ना कि ज़िंदगी निकल रही है, हम बस भाग रहे, हमें बस आगे पहुँचना है और हम उस दौड़ में कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। जैसे पीछे हमें पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं करना है, बस आगे जाना है। किसी को नीचे दिखाना है, किसी को गलत बोलना है। क्योंकि मैंने ना कल एक सिस्टर का वीडियो देखा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो आई एम गोना पुट इट हियर समवेयर। तो लोग एक दूसरे को, लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे है तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आई हैव अ राइट टू से थिंग्स। वो अच्छा बोलते तो अच्छी बात है ऐसा लगता है। जो लोग अच्छा बोलते मुझे पता है वो लोग अच्छे घर से, उनकी अच्छी परवरिश हुई है। और जो लोग गलत बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सही और गलत का पता नहीं है। उन्हें लगता है बस जाओ लेडीज़ को, औरतों को, मतलब किसको भी हो, गाली दो और कुछ भी गलत शलत हो। तो मुझे लगता है ये स्टॉप होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट इधर, इट्स अ वुमन और अ मैन, गर्ल, स्मॉल चाइल्ड, बिग चाइल्ड, वी ऑल आर ह्यूमंस, यू नो। एंड इट्स इज कर्मा, यहीं पे मिलता है, कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से है ना, पॉजिटिव रहो, सबको खुशियाँ बांटो और उसके अलावा लोगों को हंसाओ। और आप एक लोगों को हंसाओगे आपको 100 लोग हंसाएंगे अच्छी चीज़ों से। बोलते हैं ना, अगर आपके पास इतना भी, आप अगर किसी को इतना सा भी हेल्प कर रहे हो तो ऊपर वाला आपको उससे ज़्यादा देगा। आई बिलीव इन दैट, माशाल्लाह, आई बिलीव डेफिनेटली। और यही था एक छोटी सी बात। तो देखते हैं, आज शाम में एक फ्रेंड के घर जाना है, दे हैव कॉल्ड अस उनके घर पे, दे बॉट अ होम, ऑफ कोर्स दे स्टेइंग डाउन द स्ट्रीट, तो वी गोना मीट देम फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम। तो बस अभी उनको जाना है, थोड़ा सा गिफ्ट लाना है और आप लोगों से दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और लेके चलती हूँ आप लोगों को। जाना बाहर जाके आ गई और मैंने उनके लिए ना ये ब्यूटिफुल बुके लेके आई हूँ, और इसके अंदर मैंने उनके लिए गिफ्ट लाया जो कि मैंने शेयर नहीं किया है। आई थिंक दे लोग, वो लोग मेरे शायद वीडियोस देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा दिखाने के लिए। तो हाँ, छोटा सा गिफ्ट है और ये बुके है उन लोगों के लिए। तो चलो, अभी मुझे रेडी होना है और बच्चे तो शावर ले रहे, तो चलो चलते हैं उनके घर, खा के आ जाते हैं। आज तो बहुत खाना हो गया है मेरा, यहाँ वहाँ सब तरफ खा रही हूँ खाना। तो चलो, ना मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए स्नैक्स भेजा है, शी जस्ट केम फ्रॉम इंडिया। ये ना वो मीठा मीठा रहता है, ये तो अपना चटपटा है, ये तो मेरी फेवरेट है काजू कतली। और एक है जो मेरे बच्चे को बहुत फेवरेट है, तो वो खा रहा है वो फिलहाल। तो डब्बे रखना है जगह पे, और अभी खाना पकाना है और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो मुझे मेरी और एक फ्रेंड ने ना स्नैक्स भेजा। हम लोग ना यहाँ ऐसे ही करते हैं, उसके अगर उसने कुछ बनाया तो मैं वो शेयर करती है, मैं कुछ बनाऊँ तो मैं उन लोगों को देती हूँ। मतलब एक हमारा ना एक अच्छी यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड हुई है। तो मैं गई थी सुपरमार्केट कुछ गिफ्ट लाने के लिए। तो मैं आपको सोच रही थी चलो आज एक छोटा सा ना टूर दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बेकिंग के लिए ना एक बहुत ही बड़ा अलग से ना जगह होती है, वहाँ पे आपको ब्रेड मिलेगा, बटर मिलेगा, कुकीज़ मिलेंगे, फिर आपको ना सॉफ्ट ब्रेड होगा, फिर आपको हर चीज़ मिलेगी, जैसे केक्स होंगे, कप केक्स होंगे बच्चों का। हर दूसरी तरफ आपको मिलेगा पूरा फ्रूट्स का जोन, जो कि सब फ्रूट्स होते हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो कीवी अच्छे थे, कीवी उठा दिया, ऑरेंजेस मेरे पास थे तो मैंने छोड़ा, आज नहीं उठाते, नेक्स्ट टाइम उठाते। फिर मैं दूसरी तरफ गई तो देखा चलो और क्या लेना है, लिस्ट तो बहुत बड़ी थी बट जितना हो सके ले लिया। फिर देखा बेकिंग का सेक्शन, बेकिंग के सेक्शन में आपको हर एक टाइप का केक मिलेगा, हर थिंग, एवरीथिंग, ओके। तो आपको किसी चीज़ की यहाँ पे ना यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक सेक्शन में हर एक नाम होता है, यू कैन गो एंड बाय व्हाटएवर यू लाइक इट। फिर स्नैक्स के बाद मुझे ना गिफ्ट लेना था, तो फिर मैं देख रही थी कि क्या है उस बच्चे के एज का, थोड़ा बहुत अच्छा था थोड़ा बहुत नहीं था, तो जो मुझे अच्छा लगा उसके एज के हिसाब से वो मैंने पिक किया। एक दिन आपको मैं इस स्टोर का इंशाल्लाह टूर दिखाऊंगी। तो जाते जाते ना मेरी नज़र यहाँ पे पूरे ना सनस्क्रीन पे, इस पे, तो मैंने बोला भाई अब इस पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, जिस काम के लिए आए वही ले लो। तो मैं निकल के घर पे पहुँच गई। फिर
तो देख सकते हो इतना सारा पिटारा मैं लेके आई हूँ। ये लाने के बाद ना इसको असेंबल करना रखना बहुत मुश्किल होता है, तो एक्चुअली मैंने स्नैक्स में बहुत उठाया है। और वो क्यों उठाया आपको कमिंग वीक में पता चलेगा, वीडियो पूरा देखना कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आप लोगों को पता चलेगा। सब कुछ ले लिया मैंने जितना जितना ज़रूरत थी बच्चों के लिए, और फिर सोचा चलो आज झटपट सा ही चिकन ना हंडी बनाते, या चिकन वो बोलते ना दीवानी हंडी वो बनाते हूँ। तो मैंने एक पॉट लिया है, उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं, उसमें ऑनियन डाल दिया है। ऑफकोर्स ऑनियन नहीं है तो कैसे खाना बनेगा। तो ऑनियन डालने के बाद उसको थोड़ा सॉटे किया है, फिर मैंने डाल दिया है पटेटो, और फिर मैंने ऐड किया है चिकन जो कि मैरिनेट में था, हल्दी नमक लेमन जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको ना मैंने एक 15-30 मिनट्स तक मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। बहुत झटपट है ये दीवानी हंडी, आप बोल सकते हो कुछ नहीं है, जिसको नहीं आता है खाना पकाना वो भी बनाएंगे। तो फिर मैंने डाल दिया है ड्राई स्पाइसेस, हल्दी जीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और रेड चिली पाउडर। फिर मैंने डाल दिया है बड़े से 2 कट करके टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है ताकि वो उसी में कुक हो जाएगा, और बोनलेस होता है ना बहुत ही जल्दी कुक होता है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑफ कर्ड। कर्ड अच्छे से ना आप डाल दो इसमें भर के और उसको सॉटे कर दो, और 15 मिनट्स के अंदर मेरी चिकन रेसिपी रेडी है। आई एम सो टायर्ड, शॉपिंग करके आने के बाद ना आई एट, अब बच्चे आएंगे उनको खिलाना है शावर देना है, और मैंने ना अभी जर्दा बनाया है झटपट वाला, अभी तक ट्राई नहीं किया, ट्राई करती हूँ। अच्छा बनाया, तो शॉर्ट्स पे आएगा ये, ट्राई करना देखना, और मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।